नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं पीरियड्स के दौरान क्या क्या नहीं खाना चाहिए, जानिए पूर्ण विस्तार से। पीरियड यानी मासिक धर्म महिलाओं के लिए हर महीने का ऐसा समय है जब वो अपने खान पान और पहनावे को लेकर कुछ ज्यादा ही सजग हो जाती है दोस्तों। और आमतौर पर महिलाएं इस दौरान थोड़ी चिड़चिड़ी भी दिखाई देती है, परंतु मासिक धर्म औरतों के स्वास्थ्य का एक अहम हिस्सा है जिसके प्रति औरतों को अपने खान पान को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, नहीं तो औरतों के स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। पेट में ऐठन होना तो एक आम बात है, पर उसकी पीड़ा बहुत कष्टदायक होती है। अतः महिलाओं को अपने उन दिनों में ऐसे भोजन से परहेज करना चाहिए जिससे उनकी पीड़ा ज्यादा बढ़े ना। स्वास्थ्य के अलावा आपके खान पान का अभ्यास भी आपके मासिक धर्म के स्राव पर अपना असर दिखाता है। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के जरिए आपको बताएंगे कि आपको पीरियड्स के दौरान क्या क्या नहीं खाना चाहिए। महिलाओं को अपने मासिक स्राव के दौरान प्रोस्टेट फूड खाने से परहेज करना चाहिए। डिब्बों में बंद खाद्य पदार्थ और चिप्स जैसे अन्य फास्ट फूड भी इसमें शामिल है। अक्सर इस तरह के खाद्य पदार्थ के सेवन से पेट में काफी दर्द की संभावना बढ़ जाती है। इस दौरान औरतों को ऐसे खाद्य पदार्थों के सेवन का भी परहेज करना चाहिए जिनमें अत्यधिक मात्रा में वसा पाई जाती है। इस तरह के खाने का एक उदाहरण है वसा युक्त मांस। इनमें सैचुरेटेड फैट्स बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी मात्रा अधिक होने पर पेट में सूजन पैदा हो सकती है, ऐसे चांसेस बन जाते हैं और पेट दर्द भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके एवज में आप ऐसा भोजन ले सकते हैं जिसमें वसा की मात्रा थोड़ी कम हो। केक और पेस्ट्री जैसे बेक किए हुए खाद्य पदार्थों का भी सेवन नहीं करना चाहिए बहनों, क्योंकि इस तरह के भोजन में ट्रांस फैट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह खाद्य पदार्थ औरतों के शरीर में एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा देते हैं जिससे गर्भाशय में दर्द हो सकता है। ऐसे खाने का भी परहेज औरतों को करना चाहिए जिसमें चीनी अधिक मात्रा में होती है। चीनी युक्त खाद्य पदार्थ भी गर्भाशय में दर्द पैदा करता है, अतः केक कुकी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बजाय मीठे में फलों का सेवन सर्वोत्तम तरीका माना जाता है। पीरियड के दौरान चाय और कॉफी जैसे पेय पदार्थों का सेवन करने से भी अपने आप को जितना बचा सकती हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर तरीका है, क्योंकि इन सब में कैफीन बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह इस दौरान होने वाली दर्द की जो तकलीफ है उसको बढ़ा देता है और मूड स्विंग भी उत्पन्न, अच्छी नींद आने में भी औरतों को दिक्कतें महसूस होती है। शराब आदि पेयों का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले तत्व मूड स्विंग्स को और भी अधिक बढ़ा सकते हैं और मासिक स्राव की अवधि भी इससे बढ़ सकती है, ऐसे पूरे के पूरे चांसेस होते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।